रायपुर प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी क्रांति वीर अमर शहीद हेमू कलानी समिति के द्वारा शेर सिंध की 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यह कार्यक्रम हेमू कलानी चौक पर हेमू दादा की मूर्ति पर माल्यार्पण करके प्रारंभ किया गया। संत अनंतपुरी गोस्वामी उदयलाल सरदाणी एवं सभी संतों के सानिध्य में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एजाज देवर महापौर, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आनंद कुकरेजा, एन आर चंद्राकर, विजय कुरे, आकाश तिवारी, राधे श्याम विभोर, हरदीप होरा, अमितेश भारद्वाज, कामराज अंसारी, पुरुषोत्तम बेहरा, समिति के अध्यक्ष त्रिलोक चिमनानी ने बताया कि हेमू के चाचा मंदाराम कलानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी प्रेरणा में गांधी जी के करो या मरो आंदोलन में सहभागी बन गए। इस कार्यक्रम में शहर के तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिसमें प्रमुख अनेश बजाज, किशोर आहूजा, लक्ष्मण जगवानी, प्रेम बिरयानी, प्रताप पोक्तानी, राजू तारवानी, संत रामदास बजाज, श्याम रुपरेला, अशोक बजाज, प्रेम प्रकाश मंदानी, हरीश लेखवानी, मोती राम खटूजा, बाल चंद असरानी, रूप चंद कुकरेजा, होत चंद जुमनानी, सुरेश दासवानी, गौरव मंदान, मूल चंद त्रिखवानी, लाल चंद गुरवानी, शंकर लाल वरदानी, अशोक भागवानी, आशन दास पिपवानी, डॉक्टर एन डी गजवानी, राजू झामनानी, देवानंद शर्मा, महेश दरियानी, रमेश मिर्गियानी, भरत बजाज, अमर लाल खट्टर, भाई किशन राम साहित्या, कपिल तलरेजा, रवि तेजवानी, राजू बिरनानी, प्रताप पिंजानी, महेश पंजवानी, रघुमल मोटवानी, राजकुमार प्रेमचंदानी, प्रकाश निरानी, सुनील छतवानी, दीपक उकरेजा, बिंजू बाजरे, नरसिंह साहू, श्रवण देवांगन, राघेंद्र मंदानी, श्रवण देवांगन, संजय गोवानी, विजय राजू जिमनानी सहित सिविल लाइन के अध्यक्ष कन्हैया लाल छुगानी, आसुदा राम धीरानी, लखी चंद गुलवानी, हीरा लाल पंजवानी, लेख राज मोटवानी, भीमन गंगवानी, ब्रजलाल गंगवानी आदि तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। मंच का सफल संचालन किशोर आहूजा ने किया एवं आभार प्रदर्शन अनेश बजाज ने किया। आज 77वां बलिदान दिवस है हेमू कालानी का मना रहे हैं हम लोग। हेमू कालानी 18 वर्ष की उम्र में शहीद हुए। भारत की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। गर्मपंथी नेता थे जिन्होंने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर 3 साथियों के साथ वो फिश प्लेट उखाड़ कर अंग्रेजों का जो हथियार जाने वाला था उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब वो पकड़े गए तो उन्होंने अपने दोनों साथियों को अलग भेज दिया और उनका कभी नाम नहीं लिया और सारा केस अपने ऊपर लिया और क्षमा नहीं मांगते हुए फांसी पे लटक गए इस देश की आज़ादी के लिए। निश्चित रूप से हेमू कालानी हम लोगों के लिए आदर्श है। हम सिंधी समाज ही नहीं वरन पूरे देश के लिए हेमू कालानी जी का जो शहीदी पर्व है कहीं ना कहीं प्रेरणा देने वाला पर्व। हेमू की कहानी बहुत लंबी कहानी है। इतनी कम उम्र में 19 साल की वर्ष की उम्र में उन्होंने जो नाम कमाया उसे हमारे सिंधी समाज का सिर गौरव से ऊँचा हुआ है और अंग्रेज़ों से लोहा लिया है। हेमू कालानी के जैसे वीर हमारे समाज में और पैदा होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज इसको देख के उसकी बातें सुन के जो उन्होंने कारनामे किए, जो उन्होंने अच्छे से जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए जो अंग्रेज़ों से लोहा लिया उसके लिए मैं उनके नमन करता हूँ। जय हो। इस वर्ष हमारी समिति 27वां आयोजन कर रही है। 26 साल से हम लोग इस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हेमू कालानी जयंती, हेमू कालानी पुण्यतिथि कार्यक्रम। हेमू कालानी जी का जन्म जो है 23 मार्च 1924 को सखर जिले में हुआ और आज पुण्यतिथि उनकी 21 जनवरी 1942 को उनका निधन हुआ, उसकी जो पुण्यतिथि आज 77वीं मनाई जा रही है। इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ मैं कि हेमू कालानी जी 6 वर्ष की उम्र से ही आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े थे। उनके चाचा मंगाराम कालानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वे तिलक नगर हाई स्कूल में सखर में मैट्रिक तक शिक्षा अध्ययन करने के बाद उन्होंने स्वराज संग नाम से
नौजवानों की सेना बनाई। 1942 में महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो वहाँ से वो प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन जो है पूरा देश सेवा में लगाने का प्रण ले लिया। 1942 में जब उन्हें सूचना मिली कि एक ट्रेन लाहौर से क्वेटा गोला बारूद और मिलिट्री लेकर आंदोलन को चलने के लिए जा रही है आज़ादी का, तो उन्होंने उस ट्रेन को रोहिणी में ही गिराने का संकल्प लिया और अपने साथियों के साथ रस्सी पेचकस हथौड़ी लेके वो फिश प्लेट उखाड़ने के लिए लग गए ताकि हमारी ये ट्रेन जो है आगे न बढ़ सके। आवाज़ सुन के गश्ती दल आया और उन्होंने हेमू कालानी ने सभी अपने साथियों से कहा आप लोग भाग जाइए। गश्ती दल के सामने वो अकेले हिमालय के समान खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे अकेला हूँ। उन्होंने कहा साथियों नाम बताइए। बोले देखिए मेरा साथी हथौड़ी है, पेंचकस है, ये रस्सी है, इन्हीं के साथ मैं लगा हुआ हूँ और मैं ही सब ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथी यही हैं। सेना उनको पकड़ के ले गई। गश्ती दल ने उन्हें बहुत ही यातनाएं दी गई, जेल में कोड़े लगाए गए, बर्फ की सिलियों सुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई कोर्ट से। और फांसी के तख्ते पे चढ़ते समय हेमू कालानी से जब पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा मैं भारत में ही जन्म लूँ और देश की आज़ादी के लिए मरूँ। यह कहते हुए उन्होंने कहा मेरे हाथ में फांसी का तख्ता दीजिए ताकि मैं भारत माता का नारा लगाकर आज़ादी का फांसी के तख्ते पर चढ़ना चाहता हूँ। और उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ के इंकलाब जिंदाबाद भारत माता अमर रहे नारा लगाते हुए बलिदान दिया, उसकी पुण्यतिथि आज हम मना रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण समिति के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कुकरेया जी के समक्ष आज हमने हेमू कालानी का बलिदान दिवस मनाया। हमारे बीच हमारे प्रशासकीय अधिकारी विजय करवे साहब जी हैं जिन्होंने बहुत पहले यातायात में DSP थे, उन्होंने ये जगह में उपलब्ध कराई, और सभी सम्मानित साथी हैं। मैं हेमू कालानी समिति की ओर से आज के दिवस पर सब ये इतना ही कहूँगा कि हेमू कालानी वो शख्सियत थी जो देश पर बलिदान हुई, कुर्बान हुई। धन्य वे माताएं जो ऐसे वीरों को जन्म देती हैं और धन्य ऐसे वीर जो देश पर बलिदान होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शहीद हेमू कालानी जी, आज हेमू कालानी जी के इस दिन पर सभी भारतीयों को उनके जीवन की एक एक चीज़ों से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये हर एक भारतीय की जीत है और उनका पूरे भारतवासियों के प्रति ये जो अपनी वीरता दिखाकर उन्होंने देश के प्रति अपनी सेवा करी, ये हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 26वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा और नमन करता हूँ। धन्यवाद। हेमू कालानी जमाल फांसी से मतलब फांसी से होया दोनों सबक हूँ फांसी जन वाले के आखिरी इच्छा पूछ भी दोनों को पूछा हुआ वो भाई तुझे आखिरी इच्छा चाहे तो उन्हें चाहिए तक मूसा गड भारत माता की जय ए वंदे मातरम चवण पव बिल्कुल उनके चाहे हुए।